सर जी, भ्रमण चल रहा है आपका चुनाव के दिन, आज महापर्व है, क्या लग रहा है जनता के बीच? बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी माताओं बहनों को देख रहा हूँ लंबी लाइन लगा करके, और इतनी प्रचंड गर्मी में भी वो खड़ी है, तो ये जागरूकता बताता है कि कितना लोग जागरूक हुए हैं, और अभी तक लगभग 40-42% मतदान हो ही गया है, तो और बहुत अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे से हो रहा है। और अभी हम लोग देखिए देवारा क्षेत्र में है, और हमारा देवारा क्षेत्र जो है वो बहुत एकदम जागरूक हो चुका है, अब देवारा अब चमकेगा। धर्मेंद्र जी का भी अभी लेटेस्ट, अभी एक घंटे पहले का उन्होंने मीडिया को दिया है कि निरहुआ का तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि देवारा दाब रहा है तो कुछ अकबक कर रहे हैं, और ये उनका आखिरी चुनाव होगा आजमगढ़, इसके बाद कभी नजर नहीं आएंगे। महिलाओं की सहभागिता इस बार आपकी चुनाव में मुझे बहुत देखने को मिली, हम लोग प्रचंड देखने को मिल रही है। पर देखिए उसका कारण ये है कि ये धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव, ये लोग तो कह रहे थे कि पता नहीं बीजेपी वाले गर्मी में क्यों चुनाव कराते, भाई परीक्षा खत्म होगा तभी ना होगा चुनाव, तो आ नहीं रहे थे। लेकिन हम लोग गांव-गांव घूम के और लोगों से निवेदन कर रहे थे कि आप लोग आना है, कितनी भी गर्मी हो वोट डालना है, और उसका असर दिख रहा है। उसका असर ये दिख रहा है कि जो लोग कहते थे कि अरे भाई महिलाएं गर्मी में नहीं निकलेंगी, महिलाएं एकदम लंबी लंबी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की लाइन देख रहा हूँ, तो ये बता रहा है कि जागरूकता हुई है और बहुत अच्छी वोटिंग हुई।